नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल में। आपने देखा होगा आज पूरे दिन कि किस तरह जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, किस जगह 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 पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं जगह जगह पे गोलियां चल रही है। तो बहुत ज्यादा हिंसक रूप ले चुका ये आंदोलन एससी और एसटी एक्ट। तो ये है क्या, क्यों हो रहा है? आपने देखा बहुत होगा कि ये आंदोलन किस तरह से लड़ाइयां हो रही है, किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन ये किस लिए हो रहा है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरा इस वीडियो को देखें ताकि आप समझ सके कि किस लिए ये एससी एसटी एक्ट के विरुद्ध लड़ाइयां हो रही है, दंगे हो रहे हैं। तो चलिए हम अपने एक्सपर्ट से राय लेते हैं और इस बारे में जानते हैं कि किस वजह से एससी एसटी एक्ट के विरुद्ध जो लड़ाइयां हो रही है, दंगे हो रही है, क्यों हो रही है और ये जो एक्ट है ये क्या था। तो चलिए, हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। तो आप बताइए विस्तार से कि किस तरह जो एसटी एक्ट पहले क्या था। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए एसटी एससी एसटी एक्ट पहले क्या था। तो ये दंगे से दंगे क्यों हो रहे हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एसटी एक्ट क्या था। तो सर मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे समाज में आप जानते हो कि पुराने प्रथा काफी चलते थे, दलितों को काफी प्रताड़ित किया जाता था, उसे बड़े लेवल का नहीं समझा जाता था, है ना, उसे मतलब एक हीन नजर से, हीन भावना से उसको देखा जाता था, उसे मतलब बेवजह से मारना, बेवजह उसको मतलब प्रताड़ित करना, मतलब काफी अन्याय होता था, काफी उसका शोषण करते थे। जो स्वर्ण जाति के जो लोग होते थे, बड़े कास्ट के जो लोग होते, काफी उनका शोषण करते थे। जैसे उन्हें मतलब निर्णय करके उन्हें मारते भी थे, है ना, और क्योंकि वो उन्हें अच्छा लगता नहीं था कि ऐसे दलित है, हमारे साथ दलित रहेंगे, तो इस टाइप का उनका भावना भेदभाव था। हाँ, भेदभाव था, वो उनको देख नहीं पाते थे हीन भावना से। तो कहीं ना कहीं ये समाज के एक कुप्रथा था, तो इसको दूर करने के लिए ये बनाया गया, है ना। और उसमें क्या था कि जो दलितों के ऊपर जो अपराध हुआ, जो अपराध करते थे दलितों को, जो प्रताड़ित करते थे, है ना, उन्हें प्रताड़ित करते थे, तो उनके लिए जो कानून था वो उसके लिए वो लोग ज्यादा मतलब गिरफ्तारी जल्दी हो नहीं पाते थे। तो अब क्या हो गया, तो फिर ये आपको बताऊंगा कि 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की, तो राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस समय क्या हुआ कि ये एक्ट बनाया गया, एससी एसटी एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के तहत कि जो भी एसटी यानी एससी जाति के लोग होंगे, यानी अनुसूचित जनजाति के जो लोग होंगे, है ना, निम्न कास्ट के जो लोग होंगे, वो अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, उनके खिलाफ अगर उनके ऊपर कोई जुल्म करता है, उनके ऊपर कोई उन्हें प्रताड़ित करता है, उनको कोई अन्याय होता है, अगर वो स्वर्ण जाति के लोग करते हैं, बड़े जाति के लोग करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जल्दी होगी, बिना किसी वारंट के, बिना किसी चीज के उनको उसी गिरफ्तारी हो जाएगी, है ना। तो इसका फायदा कुछ दलितों ने ज्यादा उठा लिया और गलत फायदा उन्होंने उठा लिया, और वो लोग होता ये था ना कि किसी के ऊपर जलन की वजह से, द्वेष की वजह से, है ना, दुश्मनी की वजह से वो लोग गलत आरोप भी लगा देते थे, मिसयूज करने लगे। हाँ, उस कानून को लोग मिसयूज करने लगे। अब मिसयूज करने लगे तो बड़े बड़े कास्ट के लोग भी किसी इसके मतलब काफी उन्हें इस चीज का दिल को दिक्कत होने लगा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि ये कानून गलत है, इसे चेंज किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चेंज किया, बदलाव किया कि अब जो ऐसे किसी दलित के विरुद्ध कानून होगा, अगर अपराध होता है तो पहले उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद में हाँ इंस्पेक्टर उसकी जांच करेंगे और तब जाकर उसकी गिरफ्तारी होगी। तो अब इससे मैं दलित कह रहे हैं कि जब तक जांच होगा, और जांच होने में तो कम से कम 2-3 दिन का हफ्तों भर का टाइम लग जाता है, तब तक तो वो बच निकलेंगे। तो हाँ, तो अब बात दोनों बात सही है, अब किसकी बात सरकार माने, क्या वो गलत बोल के उसको फंसाया जा रहा है या सच में उसने ऐसा काम किया। सरकार चाहते कि समय के साथ परिवर्तन आए। हाँ, समय जब परिवर्तन आए, वो ये नहीं है गिरफ्तारी नहीं होगी, यदि गिरफ्तारी होगी, जांच हो जाएगी तो फिर गिरफ्तारी तो होनी होनी है, अगर कोई अपराध किया है तो उसको तो गिरफ्तारी जरूरी है, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। बट दलित ये कह रहे हैं ना कि इतने समय में तो बच के निकल जाएगा, तो इस चीज को लेकर के आज दलितों ने पूरे भारतवर्ष में बंद बुलाया है और हर जगह दंगे फसाद कर रहे हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं इनको शांति से करना चाहिए, शांति से पूरे देश में भावनाएं फैलानी चाहिए, अपनी मांगे रखनी चाहिए, लेकिन ये जो दंगे काफी हो रहे हैं, हर आप देख रहे हो कि हर राज्य में बड़े बड़े लेवल पे प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल की पटरियां उखाड़ी जा रही है
रेलवे जाम किया जा रहा है ना, कहीं कहीं आगजनी की जा रही है, अभी सुनने में आया कि कहीं बम ब्लास्ट भी हो चुका है, तो ऐसे काफी हंगामे हो रहे हैं। तो सो मुझे कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं लग रहा, और समय के साथ परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। तो क्या आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि राजनेताओं का भी इस हिंसक परिवर्तन रूप देने का कोई हाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो दलित है तो वो तो समझ रहे हैं अपने अपना कानून, लेकिन इसका ज्यादातर फायदा सियासी लोग उठाते हैं, है ना। वो लोग और चाहते हैं कि कुछ सियासी लोग ऐसे है नेता है जो चाहते हैं कि ये और आंदोलन बढ़ के ये और हिंसक रूप ले, ताकि इसमें ताकि वो अपना प्रॉफिट निकाल ले। मतलब एक तरफ उन्हें समझाना चाहिए कि भाई ठीक है आपकी मांगों को हम आगे रखेंगे, संसद में रखेंगे, वहां पर इस कानून को जैसे था वैसे रहने देंगे, तो इस मांगे बताना चाहिए आगे रखना चाहिए। और मेरे को लगता है कि मेरे को भी ये लगता है कि जो SC ST एक्ट जो SC ST के लोग हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि क्या क्या सरकार भी उनके बारे में सोचती है। और आप हम कहते हैं कि आप किसी के बहकावे में ना आए, अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करें, ऐसे दंगों फसाद से दूर रहे, और जब तक ये दंगे चल रहे अपने घर में सुरक्षित रहे, बाहर अगर जरूरत है तो ही निकले वरना ना निकले, क्योंकि आप भी शिकार हो सकते हैं किसी दुर्घटना का, तो आप अपने घर में ही सुरक्षित रहिए जब तक ये भारत बंद चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ आपका क्या कहना है ST SC Act के बारे में तो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अगर आपको दोस्तों कुछ जानना है, किसी चीज में कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप कमेंट करें, उस चीज को हम बिल्कुल आंसर आपको हो सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर लोग इस बारे में समझ सके कि ये है क्या SC ST। तो दोस्तों